नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डे के न्यूज चैनल सच का साथ। चैनल पर मुजफ्फरनगर से आ रहे, मुजफ्फरनगर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अदा की गई बकरा ईद की नमाज, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा में मुस्तैद। देखिए हमारी रिपोर्ट। दुनिया भर में आज मनाई जा रही ईद की नमाज, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी बकरा ईद की नमाज की गई। कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया ईद का पर्व। वहीं बकरा ईद की नमाज को सुरक्षित संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सेलवा कुमारी जे और SSP अभिषेक यादव भारी पुलिस फोर्स के साथ ईदगाह और मस्जिदों में सुरक्षा व्यवस्था के नजर दौरे करते रहे। वहीं मुस्लिम समाज से अपील की गई कि कोई भी ईदगाह के अंदर नमाज न पढ़े, सभी लोग मस्जिद में नमाज पढ़ें। वहीं लगातार सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक कुमार सिंह, SP City अर्पित विजयवर्गीय, CO सिटी कुलदीप कुमार सिंह और ADM प्रशासन अमित कुमार, SP देहात अतुल श्रीवास्तव सहित भारी पुलिस फोर्स के साथ जनपद के शहरी और देहात क्षेत्र में ईद की नमाज सुरक्षित संपन्न कराने के लिए दौरे करते रहे। जी, आपका नाम? हाजी निजामुद्दीन जी। आप यहाँ मरकज के मौलाना हैं, तो आज जैसी ईद की नमाज सुबह अदा की गई, तो कितने लोगों के बीच में नमाज अदा की थी? चल, मैं मौलाना तो यहाँ पे है नहीं, गए हैं। मैं यहाँ मौजिन हूँ, अजान पढ़ता हूँ और सफाई करता हूँ, और बाहर फोटो भी लगे हुए हैं। 40 आदमियों का जो है वो इजाज़त है, 40, 45, 50, 60 ज़्यादा 100 आदमी जो है वो नमाज अदा करी और अदा करके वो चले गए। तो क्या कोरोना महामारी के चलते सरकारी गाइडलाइन का पालन किया गया? जी जी जी, जो बीमारी की वजह से ही पालन किया गया है जी। और आगे को भी इंशाअल्लाह हम लोग इसका पालन करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा। हमारे महल्ले वाले बेचारे बहुत सहयोग दे रहे हैं इसमें जी, बहुत अच्छी तरीके से वो भी कहना मान लें अपना, भाई इतने आदमी पढ़ेंगे नमाज, अच्छा जी, और अपने घरों में पढ़ लो। कल प्रशासन भी आया था, उन्होंने जो है ऐलान कराया पूरे उसमें कि भाई अपने घरों में नमाज पढ़ना, जितने भी आदमी हो वो उन्होंने बेचारों ने पालन करा। तो घरों में ही नमाज पढ़ी गई? घरों में ही नमाज पढ़ी उन्होंने। कुछ आदमियों ने नमाज जो है मस्जिदों में पढ़ी जी, और घरों में भी पढ़ी। ईद को लेकर जैसा कि आपको मालूम है, जो कोविड प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से पूर्व विगत वर्ष में मनाई गई थी ईद, उसी तरीके से ईद मनाई जा रही है। और कहीं पर भी कोई कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना हो, ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, और कहीं पर किसी तरह की जो प्रतिबंधित जानवर है उसकी कुर्बानी ना हो, उसी को लेकर हम लोगों ने व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था चारों तरफ से की हुई है। कोई व्यक्ति बिना मास्क के या फिर कहीं ज़्यादा भीड़ किसी तरह से इकट्ठी ना हो, और ईदगाह पे जो नमाज नहीं होने का है उसको लेके भी हम लोगों ने तैयारी की है कि लोगों को समझा बुझा कर, पहले से ही हम लोगों ने लोगों को समझा बुझा के उनको इस बात के लिए अवगत करा दिया था कि कहीं पर मस्जिद में या ईदगाह पर ज़्यादा भीड़ को लेके नमाज नहीं होगी, ईदगाह पर तो होगी ही नहीं, और सभी लोग अपना सही तरीके से ईद मनाएँ और कोविड प्रोटोकॉल का हम लोग ध्यान रखें। किसी भी तरीके से कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा कर दें जिससे वो जनता के लिए, हमारे समाज के लिए खतरनाक हो।